हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो यार। सो जी एंड रूई के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है वो डॉक्टर से ना मतलब भिड़ जाती है। आफ्टर ऑल डॉक्टर से पहले भी उसकी लड़ाई हुई रहती है ना, लेकिन फिर भी रूई के कहने से वो मान जाती है। एंड वो चेकअप करवाने के बाद आ जाते हैं जी अपने घर पे। तो जैसे ही रूई अपने घर में जाती है तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा अंकल, रात को तुम कहाँ थी, तुमने मैसेज भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं करा, क्या हुआ था। तो जी जिया कहती है पापा कुछ नहीं, वो मैं रूही के घर रुक गई थी ना, सो इसी वजह से। तो उसके पापा बोलते हैं रूही ये तो केयरलेस है, कम से कम तुम्हें तो जवाब देना चाहिए था ना, या फिर तुम मुझे कॉल ही कर देती एक बार कि जिया तुम्हारे साथ है। तो रूही कहती है सॉरी अंकल, मुझे ना याद नहीं रहा ना, आई एम सॉरी। तो उसके पापा बोलते हैं चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं, मगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो ना तो प्लीज़ ध्यान रखना ना तुम, क्योंकि जिया की तो आदत ही ऐसी है, वो तो कभी जवाब ही नहीं देती, जो मन में आता है सिर्फ वही करती है ना, तो कम से कम तुम तो ध्यान रखो। तो रूही कहती है ठीक है अंकल, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, और तुम कहाँ से आ रहे हो अभी और ये क्या है। तो रूही कहती है अंकल कल रात को जिया को थोड़ा फीवर हो गया था ना, तो बस हम डॉक्टर को दिखा के ही आए हैं। तो उसके पापा बहुत परेशान हो जाते कि फीवर, जिया क्या हुआ तुम्हें, इधर आओ जरा। तो जिया कहती है पापा रिलैक्स, इतना भी फीवर नहीं है, ये तो इसकी आदत है, छोटे से फीवर को बड़ा सा बना दिया। और पता है आपको किस डॉक्टर के पास ले गई थी मुझे, जिस डॉक्टर की मैं शक्ल नहीं देखना चाहती ना, उससे तो इसने मेरा ट्रीटमेंट करवाया है। तुम्हें तो देखना रूही, मैं बताऊंगी तुम्हें, तो पता नहीं कहाँ लेके चले गए, तुम्हें कोई और डॉक्टर नहीं मिला था क्या रूही। तो जिया के पापा कहते हैं क्या हुआ, तो उस डॉक्टर के पास ले गई तो पुरानी बातों को भुला देना चाहिए जिया, जिंदगी में जब तक पुरानी बातें नहीं भुलाओगे तो नहीं नहीं आ पाएगी, समझ में आई तुम्हारे। तो जी जिया कहती है ठीक है पापा जैसा आपका है, अब मैं अपने रूम में जाऊं। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ तुम दोनों जाओ अपने रूम में। तो जी जिया और रूही दोनों चल जाते हैं जी जिया के रूम में। एंड जिया जो होती है ना वो नहाने के लिए जा रही होती है, तो रूही उससे कहती है कि नहीं तुम नहाने नहीं जाओगे, आया तुम्हारे समझ में। तो जिया कहती है क्यों क्यों नहीं जाऊंगी मैं नहाने। तो रूही कहती है नहीं, तुम्हें फीवर है ना, और फीवर वाले इंसान नहाते नहीं है। तो जिया कहती है जी कितनी सहूलियत दूँ, मैं बिना नहाए नहीं रह सकती, तो मैं नहाने जाऊंगी। तो रूही कहती है नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, कहा ना मैंने तुमसे तुम नहाने नहीं जाओगी, आई तुम्हारे समझ में। तो जिया कहती है कि नहीं मैं जाऊंगी। तो रूही कहती है तुम अगर नहाने गई ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जिया कहती है तुमसे बुरा वैसे भी कोई है भी नहीं ना, जो तुमने आज किया है मेरे साथ मैं याद रखूंगी। तो रूही कहती है ठीक है याद रखना, पर याद ही रखना मेरा, मुझसे बदला मत लेना उन चीज़ों का। तो जिया कहती है कि बदला और मैं लेना भूल जाऊँ, मिशन इम्पॉसिबल यार। तो रूही कहती है चुप रहो। तो जिया कहती है तुम चुप रहो। तो इतने में जी रूही का फ़ोन बज जाता है। तो रूही जो है ना वो कॉल उठाने के लिए रूम के बाहर चली जाती है। एंड जिया सोचती है कि वाह अभी आने वाली तो है नहीं और मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेगी नहाने में। तो जी वो नहाने के लिए चली जाती है एंड मतलब नहा ही रही होती ना, इतने में जी पानी बंद हो जाता है। तो जो जिया होती है ना वो आवाज़ लगाती है कि कोई है। तो वहाँ पर जो एक सर्वेंट होता है ना, मतलब वो फ्लोर पे घूम रहा होता है, तो जी वो उसके रूम में आता है और कहता है यस मैम। तो रूही कहती है कि किसी को बोलना कि इसका पानी नहीं आ रहा यार। तो कहते हैं मैम बस अभी मैं 2 मिनट में देख के आता हूँ ना क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जो सर्वेंट होता है ना वो जा रहा होता है, इतने में रूही उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि एक्चुअली मैम बाथरूम में पानी रुक गया ना, तो मैं बस वही चेक करने के लिए जा रहा हूँ। तो रूही तो कहती है बाथरूम में, ओह शिट मैंने इससे मना किया था ना, तब भी ये लड़की कभी नहीं सुनेगी। तो ऐसे बोल करके ना रूम में चली जाती है और कहती है कि जिया। तो वो ना बिल्कुल आओ देखती है ना तो आओ, सीधे बाथरूम का गेट खोल देती है और अंदर चली जाती है। कहती तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है कि मैंने तुम्हें मना करी थी ना, तुम्हें नहीं नहाना नहीं नहाना, फिर भी तुम नहाने के लिए आई,
यार क्या समझती हो तुम अपने आप को? कभी तो बात मान लिया करो ना। जब तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो रही है, तुमने देखा है कितना फीवर है? 105 डिग्री बुखार है। दवाई तुमने सुबह से ली नहीं है और उसके बाद तुम ना आ रही हो। डॉक्टर से तुम लड़ाई करके आई हो, क्या चल रहा है? जी हाँ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है जो तुम कर रही हो। आ रही तुम्हारी समझ में? क्या जरूरत थी नाने की? तो जिया तो ना उसे आके फाड़ फाड़ के देख रही होती है। तो रूही कहती है कि अब क्या हुआ? तो जिया कहती है कि तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़ी हो? तो रूही कहती है कहाँ खड़ी हूँ? तो जिया कहती है कि पीछे मुंह करो। तो रूही कहती है क्यों? तो जिया कहती है मैंने पागल कपड़े नहीं पहने। तो रूही ना मतलब शर्म के मारे आंखें बंद कर लेती है और पीछे मुंह कर लेती है ना। तो जी जिया कहती है यार तुम है ना मतलब क्या चक्कर क्या है, चाहती क्या हो तुम मुझसे? तो रूही कहती है मैं कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती ना, तुम टॉवल पहनो। तो जो जिया होती है वो कहती है यार तुम्हें दिखता नहीं है क्या, मैंने साबुन लगा रखा है, जब तक नहाऊंगी नहीं तब तक कैसे होगा? तो रूही कहती है कि यार मैं क्या करूं? तो जिया कहती है ये भी मैं बताऊं कि तुम क्या करोगी? तो रूही कहती है कि यार हाँ मैं बाहर जाती हूँ ना, बाहर जाती हूँ तो वो हड़बड़ी में ना गेट खोल रही होती है, मगर जो गेट होता है ना मतलब जो उसका साइड वाला होता है वो फट जाता है और गेट जो होता है वो अंदर से लॉक हो जाता है। तो रूही है ना वहीं से कहती है जी हाँ एक प्रॉब्लम हो गई। तो जिया कहती है ओह शिट, अब क्या किया तुमने? तो रूही कहती है कि गेट जो है वो अंदर से लॉक हो गया है ना। तो जिया कहती है पागल क्या किया ये तुमने? तो रूही कहती है यार मेरी गलती थोड़ी ना थी, मुझे क्या पता कि ये टूट जाएगा। तो जिया कहती है यार मैं क्या करूँ भगवान, आज सारे ही प्रॉब्लम मुझे देनी है क्या? सारी प्रॉब्लम देनी है आपको मुझे? सुबह वो, बाद में वो, फिर डॉक्टर, फिर पानी, फिर नहाना और अब ये। तो इतने में जो सर्वेंट होता है ना वो कहता है कि मैम आप चेक कर लीजिए पानी आ गया है। तो जिया कहती है एक सेकंड मैं चेक करती हूँ। तो देखते हैं तो पानी आ जाता है। तो कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जो रूही होती है ना वो उसको कहती है कि धीरे से कि इसको बोलो ना गेट खुले। तो जिया कहती है पागल है मैंने कपड़े नहीं डाल रखे। तो रूही कहती है तुम साइड में चली जाओ ना, कम से कम मैं तो बाहर चली जाऊंगी। तो जिया कहती है नहीं मैं नहा लेती हूँ उसके बाद मैं बोल दूंगी कपड़े पहनने के बाद। तो रूही कहती है यार तब तक मैं गेट के सामने खड़ी रहूँ मतलब गेट को देखती रहूँ? तो जिया कहती है गेट को क्यों देख रही हो, मुझे देख लो। तो रूही कहती है शर्म कर लो, तुम थोड़ी सी तो शर्म कर लो। तो जिया कहती है अच्छा आदम तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा टाइम पास कैसे होगा? तो रूही कहती है कैसे होगा मतलब? तो जिया कहती है एक काम करो तुम भी कपड़े उतारो और आ जाओ ज्वाइन कर लो मुझे। तो जो रूही होती है कहती है क्या तो ऐसे क्या बोलते हैं? तो पीछे मुड़ जाती है। तो जिया को देखती है कहती ठीक है तुम ना पहले तो कपड़े पहनो और नहा लो जल्दी से, मुझे पता है जब तक तुम अपनी मर्जी नहीं पूरी कर लोगी ना तब तक नहीं मानोगी, जल्दी से नहा लो जिया। तो जिया कहती है हाँ बाबा नहा लियो नहा लियो। तो जिया जो होती है ना वो जल्दी से नहा लेती है और ड्रेस वगैरह डाल लेती है और उसके बाद जो सर्वेंट होता है ना उसे दोबारा आवाज़ लगाती है ना। तो जो रूही देखती है रुक जाओ यार, अगर उसे पता चल गया ना कि हम दोनों अंदर है तो पता नहीं वो क्या सोचेगा। तो जिया कहती है कि क्या सोचेगा क्या सोचेगा, दोस्त तो मेरी साथ में ना आ रही हो और क्या सोचेगा? तो रूही कहती है तुम्हें अक्ल है, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? तो जिया कहती है क्या इसमें क्या बड़ी बात है? थोड़ी कहती है कि तुमसे तो ना बात करने बेवकूफ़ी है ना, तुम एक काम करो तुम बाहर चले जाना मैं यहाँ छुप जाती हूँ। तो जिया कहती है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। तो मेंबर जो होता है कहता है मैम क्या मैं गेट खोल दूँ? तो जिया कहती है हाँ गेट खोलो। तो गेट खोल देता है तो जिया बाहर चली जाती है एंड रूही अंदर होती है। तो उसके बाद जो जिया होती है वो रूही को भी बाहर निकाल लेती है ना रूम वहाँ बाथरूम से। तो रूही कहती है कि शुक्र है ना किसी को पता नहीं चला। तो जिया कहती है कि हाँ किसी को नहीं पता चला, मुझे तो पता चला। तो रूही कहती है तुम ना पागल हो ना, और तुमसे किसने गई थी नहाने के लिए? मैंने तुम्हें मना किया था कि मत नहाना, फिर भी तुम नहीं मानती ना मेरी बात। तो जिया कहती है यार तुम्हारी बात मानने वाली ही नहीं थी। तो रूही कहती है हाँ मेरी तो कोई भी बात मानने वाली थोड़ी ना होती है। तो जिया कहती है कि जिस दिन मुझे लगेगा ना तुम्हारी ये बात मानने वाली है उस दिन मैं मान भी जाऊंगी।
रो कहती हाँ जिंदगी में वो दिन तो कभी आने वाला नहीं है जब तुम्हें मेरी बात सही लगे। तो जिया कहती हो सकता है कभी वो दिन आ जाए। तो रो कहती हाँ, बहुत हो गया मजाक, अब तुम दवाई लोगी? तो जिया कहती है कि अगर आप दोगी तो जरूर दूंगी। तो रोई कहती है बढ़िया ही दूंगी तो जरूर होगी। तो ऐसे ना मतलब नाक सड़ा रही होती है। तो जिया कहती है कि बस बस ऐसे सड़े हुए मुँह से दोगी ना तो नहीं लोगी। तो रोई कहती है अरे पापा नहीं सड़ा रही ना, ले लो दवाई। तो जी रोई जो होती है ना वो जिया को दवाई दे देती है और कहती है कि चलो अब तुम ना रेस्ट करो और लेट जाओ। तो जिया कहती है यार कितनी बोरिंग हो ना तुम, कह रही हो लेट जाओ, बकवास, मैं क्यों लेटूँ, मैं तो नहीं लेटूंगी। तो रोई कहती है कि वाह मतलब तुम्हें बीमारी में भी अपनी चलानी है ना, कभी मान लो मेरी बात। तो जिया कहती है चलो ठीक है आज फिर मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ ना, मैं सो जाती हूँ लेट जाती हूँ। तो ऐसे बोलती है और अपने बेड पे लेट जाती है। तो इतने में जी जिया की मम्मी आ जाती है ना रूम में। तो कहती है जिया क्या हुआ बेटा तुम्हें? तो जिया ना मतलब थोड़ा रूट में कहती है कि कुछ नहीं हुआ बस थोड़ा सा फीवर है ना ठीक हो जाएगा। तो उसकी मम्मी उसके माथे पर हाथ रखती है और कहती है थोड़ा सा फीवर है, काफ़ी फीवर है। और वो कहती है रुई क्या तुम इसे डॉक्टर के पास ले गई थी? तो कहती है हाँ आंटी मैं इसे दिखाया ही ना और नॉर्मल ही है, डॉक्टर ने कहा था ठीक हो जाएगा 2 दिन में। तो उसकी मम्मी तो मतलब थोड़ा रिएक्ट ऐसे दे रहे थे पोजेसिव वाला। तो जिया को ये पसंद नहीं है तो कहती है कि आप एक काम करो ना, आप यहाँ से जाओ और अपना काम देखो, मेरा ख्याल मैं खुद रख लूँगी, वैसे भी आज तक आपने कौन सा रखा है। तो उसकी मम्मी को नहीं फील हो जाता है। तो वो रूही को देख रही होती है ना और रूही जो होती है वो नज़रें नीचे कर लेती है। तो जिया कहती है आप उसे क्या देख रही हो, मैं आपसे कह रही हूँ ना आपका काम बड़ा होगा, आपका बिजनेस, जाइए संभालिए उसे, मेरी केयर करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप अपना ख्याल रख लूँगी, जाइए आप यहाँ से। तो उसकी मम्मी को ना बहुत बुरा लगता है तो वहाँ से चली जाती है। तो जो रूही होती है वो जिया से कहती है तुम अपनी मम्मी से इतना चिढ़ती क्यों हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, वो जब भी तुम्हारी केयर करती है तुम हर वक्त मतलब उन पर ऐसे चिल्लाती हो जैसे वो तुम्हारी केयर नहीं तुम्हें डांट रही हो ना, और जब मेरी मम्मी तुम्हें डांट रही थी तब तब तो तुमसे कुछ कहा नहीं गया, और जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारी केयर कर रही है तब तुम उस पर इस कदर चिल्ला रही हो। तो जिया जो होती है कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता ना तो तुम चुप रहो ठीक है, और इस मैटर में बोलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, जो है मैं अपने आप देख लूँगी, और कम से कम मुझे सलाह तुम बिल्कुल मत दो। तो जिया मतलब गुस्से से कहती है ना। तो रूही है ना रूम से बाहर चली जाती है, रूम के बाहर चली जाती है ना। तो जिया होती है वो थोड़ी देर बाद होश में आती है ना, मतलब गुस्से से शांत हो जाती है। तो कहती है कि यार मैंने काम का ना उस पर चिल्ला दिया शिट। तो वो अपना फ़ोन उठाती है और उसे कॉल करती है। तो देखती है कि फ़ोन तो यही है, लगता है रूही फ़ोन यहीं भूल गई ना, कोई बात नहीं अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, मतलब आसपास ही रही होगी तभी यही यहाँ फ़ोन देंगे उसका। तो वैसे सोच रही होती है, वो कहती है यार रूही का फ़ोन, चलो आज देखते हैं ना इसके फ़ोन में क्या है। तो जी वो रूही का फ़ोन उठाती है ना, जैसे ही लॉक खोलती है तो देखती है कि मेरा नंबर किस नाम से सेव है। तो उसके ऊपर जो लिखा आ रहा था ना वो लिखा होता है माई लव। तो कहती है माई लव, तो मतलब वो शो हो जाती है क्या क्या लिख रहा है ये। तो वो मतलब ना वापस अपने नंबर से कॉल करती है और उस पर रिंग जा रही होती है माई लव। वाओ क्या बात है, तो मतलब रूही मुझसे प्यार करती है यार, मैं भी कितनी टॉपर हूँ ना, मुझे ये पता कैसे नहीं चला, शिट यार शिट। तो जो जी होती है ना मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो वो डांस करने लग जाती है ना, मतलब वैसे उछलने कूदने लग जाती है। कहती है एक सेकेंड रूही को मुझसे कब प्यार हुआ, और हुआ तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं, और बताया मुझे लगा क्यों नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो जो जिया होती है वो रूही का फ़ोन चेक करती है ना, तो उसके अंदर जो व्हाट्सएप वगैरह ऑन करती है तो देखती है कि वॉलपेपर पे उसकी और जिया की पिक लग रही है, एंड जिया का नंबर तो उसने देख ही लिया किस नाम से सेव है। तो उसकी गैलरी खोलती है तो उसकी जितनी भी पिक्स होती है ना उन सब के और हार्ट वाला निशान होता है, और कुछ पिक ऐसी भी होती हैं जो जिया को पता नहीं होता ना। तो वो देखती है कि यार ये तो कल रात की पिक्स है ना, तो उनमें देखती है कि जो जिया मतलब रूही है ना उसने किस तरीके से संभाल रखा है
और किस तरीके से वो केयर कर रही है, एंड हर मेमोरी की उसने फोटो ले रखी है, जब वो गाड़ी पे चढ़ी हुई थी एंड जब पुलिस वाले से लड़ाई हुई, जब वो आ रहे थे और जब हम रूम में थे। तो वो कहती है कि यार इसने सारी मेमोरीज ले रखी है। वाह, मतलब रूही तुम मुझसे प्यार करती थी और तुमने आज तक मुझे नहीं बताया। यार थोड़ी सी हिंट तो दी होती कम से कम, मैं भी तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अब तो मुझसे दूरी नहीं बर्दाश्त, जल्दी से आओ ना रूही, कहाँ हो तुम। तो वो उसका ना वेट करते करते, उसे पता भी नहीं चलता ना कब वो सो जाती है। तो जी इतने में रूही आती हूँ, देखती है कि जिया तो सो रही है, तो वो तुरंत अपना फ़ोन वहाँ से लेकर के चली जाती है जी अपने घर। तो शाम को ना जिया की नींद खुलती है, कहती है हाँ क्या टाइम हो रहा है। तो टाइम देखती है तो 5 बज गए। तो तुरंत उठती है और इधर उधर देखती है, लेकिन रूही कहीं नहीं होती। वो देखती है उसका फ़ोन फ़ोन भी नहीं होता। तो वो नीचे जाती है और पूछती है ना कि रूही कहाँ है। तो वो बताते हैं कि मैम आप तो सो गई थी, तो उसके बाद रूही मैम चली गई। तो जिया कहती है यार शिट, ये कैसे मैंने मौका गंवा दिया ना, शिट। तो तुरंत जो होता है ना रूही के पास फ़ोन करती है, मगर रूही फ़ोन नहीं उठा रही होती। तो दोबारा फ़ोन करती है ना, तो रूही कहती है हाँ बोलो। तो जिया कहती है कि क्या कर रही हो। तो रूही कहती है कुछ नहीं यार, बस मम्मी के साथ बैठी थी। तो जिया कहती है कि तो रूही कहती है कि क्या हुआ क्या, हाँ हम कर रही हो बोलो। तो जिया कहती है कुछ नहीं यार, बस वैसे ही मैंने सोचा तुम मुझे बता के नहीं गई ना, तो फ़ोन कर लो तुम्हारे पास। तो रूही कहती है चलो ठीक है, और तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो जिया कहती है हाँ मेरी तबीयत तो बहुत पहले ही ठीक हो गई थी। तो रूही कहती है बहुत अच्छी बात है, ठीक हो गई तो तुम रेस्ट करो, मैं मम्मी के साथ बैठी हूँ ना, बाद में बात करती हूँ। तो जिया कहती है हाँ ठीक है ओके। तो ऐसे कह के फ़ोन कट कर देती है। इतने में जी निधि का कॉल आ जाता है जिया के पास। तो जिया उसका फ़ोन उठाती है और कहती है कि यार तुझे पता है क्या हुआ। तो निधि कहती है क्या हुआ। तो जिया कहती है कि यार आज मैं बहुत कुछ सुना, मैं तुझे ये कुछ खबरी है ना मिल के सुनाऊंगी, तू कहाँ पे है। तो निधि कहती है यार मैं तो बाहर हूँ गार्डन में, आ जा। तो जिया कहती है कि तू वहीं रुक, मैं अभी आ रही हूँ। तो जो जिया होती है वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट करती है और फटाक से निधि के पास जाती है ना, और निधि को मिलती उसे है ना गले लगा लेती है। तो निधि कहती है यार क्या बात है, ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ है जो तू इतनी खुश हो रही है। तो जिया कहती है यार तुझे मैं क्या बताऊँ, कितनी बड़ी खुशखबरी है, मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ ना मैं तुझे बता नहीं सकती यार। ये दुनिया, ये माहौल, ये लोग, ये पक्षी, ये पेड़, ये गाड़ी, ये सब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं तुझे बता नहीं सकती यार। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो ना मुझे, मैं तुझे मेरी फीलिंग्स नहीं बता पा रही। तो निधि कहती है वेट वेट वेट, क्या जिया को तुमने बता दिया, वो सॉरी रूही को तुमने बता दिया कि तू उससे प्यार करती है। तो जिया कहती है नहीं मैंने अभी तक रूही को नहीं बताया ना। तो निधि कहती है कि नहीं बताया, एक सेकेंड जब तूने उसे अभी तक नहीं बताया तो तू इतना खुश किस बात पे हो रही है। तो जिया कहती है क्योंकि क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। तो निधि कहती है यार एक सेकेंड क्या हो रहा है। तो जिया कहती है कि यार तुझे पता आज क्या हुआ, मैं उसका फ़ोन लिया था और देखो पता मेरे नंबर किस नाम से सेव था। तो निधि कहती है बता किस नाम से, कहती माई लव के नाम से सेव कर रखा है उसने, मुझे तो पता ही नहीं था यार। तो निधि कहती क्या। तो जिया कहती है हाँ और तुझे पता है उसने हमारी हर याद की फ़ोटो भी ले रखी है, और उसने तो कल रात की फ़ोटो ले रखी थी। निधि मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत 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 खुश हूँ। तो निधि कहती है वाह तुझे इतना खुश देख के ना मुझे कितनी खुशी हुई है, तुझे अंदाज़ा नहीं है। तो जिया कहती है कि मैं ना बस आज आज मुझे ना कोई रोकना मत, कोई टोकना मत, मैं जी भर के जीना चाहती हूँ। तो निधि कहती है कि चल वो तो ठीक है, लेकिन तूने रूही को बताया। तो जिया कहती है नहीं अभी तो नहीं बताया। तो निधि कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है ना। तो जिया कहती है कैसा आइडिया। तो निधि कहती है कि तू प्यार का इजहार करने वाली थी, अब रूही करेगी। तो जिया कहती है कैसे। तो निधि कहती है कि वो तो सब तुम
मुझ पे छोड़ देना, मैं जैसा जैसा कहती हूँ तू वैसा वैसा कर, और देखती जा आगे आगे क्या होता है। तो जिया कहती है चलो जैसा तुम कहो। तो निधि कहती है ठीक है तो मैं तुझे बताती हूँ। तो जिया कहती है ओके जैसा तूने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा ना। तो जिया और निधि जो होते हैं ना वो वहाँ से चले जाते हैं, एंड जिया ना अपने घर चली जाती है और वहाँ पे अपने पापा को बोलती है कि पापा आज मुझे रात को थोड़ा लेट हो जाएगा ना आने में। तो उसके पापा शॉक हो जाते हैं कि बेटा तुम आज बता कैसे रही हो। तो जिया कहती है पापा बस आप खुश रहो यार, आज मैं बहुत खुश हूँ ना इसलिए। तो उसके पापा बोलते हैं कि वाह मैं भी बहुत खुश हूँ ना तुम्हें इतना खुश देख करके, लेकिन वजह तो बताओ क्यों खुश हो। तो जिया कहती है पापा बताऊँगी बताऊँगी, टाइम आने तो सब बताऊँगी। तो ऐसे भूल करके जी चली जाती है वहाँ से, एंड जो निधि होती है ना वो जी करती है रूही के पास कॉल, और वो तो कहती है कि रूही क्यों ना आज हम डिनर डिनर करें साथ में। तो रूही कहती है कि नहीं यार तुम्हें तो पता है ना कि दो तीन दिन से मैं कंटिन्यू घर लेट जा रही हूँ तो पापा डांटेंगे ना, सो आज नहीं बाद में। तो निधि कहती है कि चल ठीक है ना कोई बात नहीं। तो निधि जो है ना वो जिया के पास फ़ोन करती है और कहती है कि यार सॉरी आज का प्लान कैंसिल। तो जिया कहती है क्यों। तो निधि कहती है यार देखो पता है ना वो दो तीन दिन से कंटिन्यू लेट जा रही है तो कहती उसके पापा अगर डांटेंगे तो। तो जिया कहती है कि यार ये लड़की ना बहुत डरपोक है, ये सच में चुईया ही है, चुईया चुईया की तरह होती है ना डरपोक सी, जैसी बाहर आती है कोई दिखता है तुरंत भाग जाती है अंदर चुईया कहीं की। तो निधि कहती है वाह वो चुईया है ना और तू क्या है। जिया कहती है मैं तो आयरन मैन हूँ। तो निधि कहती है ओहो आयरन बैठ जा चुपचाप से। तो जिया कहती है यार तुझे शक है। तो रूही कहती है नहीं वो सॉरी निधि कहती है नहीं मुझे तो कोई शक नहीं है कि तू कितनी डरपोक है। तो जिया कहती है अच्छा मैं डरपोक हूँ। तो निधि कहती है हाँ तू डरपोक है। तो जिया कहती है तुझे वक्त आने बताऊँगी कौन डरपोक है कौन नहीं है, फिलहाल तू ये बता कि आप क्या करें। तो निधि कहती है कि आप क्या कर सकते हैं अब तो कोई चांस ही नहीं है ना, तो एक काम करते हैं कल का वेट करते हैं। तो जिया कहती है ठीक है जैसा तू कहे। सो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि नेक्स्ट ये लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब इन्होंने तो डिसाइड कर लिया है कि रूही प्रपोज करेगी जी जिया को। बस ये देखते हैं कि किस तरीके से करती है, कैसे ये लोग रूही को मतलब मना पाते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है जिससे रूही खुद जानबूझ के प्रपोज कर दे। सो ये जानने के लिए तो देखना पड़ेगा ना अब नेक्स्ट पार्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।